नॉर्मल पुशिंग का ट्रक था दोस्तों, लेकिन अपन इसको रिमोट कंट्रोल बना चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो भाई, काफी ज्यादा यूनिक दिख रहा है। इसका कैरियर भी ऊपर हो सकता है, इसके अंदर मट्टी भी डाले तो वो भी लोडिंग हो सकती है दोस्तों। ओ माय गॉड गाइस, आज की वीडियो के अंदर काफी मजेदार प्रोडक्ट मैं खरीद के लेके आऊ। ये प्रोडक्ट ना पूरी तरीके से आर्मी वाले से मिलता जुलता। ये देखो गाइस, ये प्रोडक्ट का वो नाम है आरसी ट्रक, आप बोल सकते हो गाइस। ये मिलिट्री के तरफ से आ जाता है और आज मैं इसको रिमोट कंट्रोल भी बना चुका हूँ दोस्तों। आज इसको मैं आपको अनबॉक्सिंग कर बताऊंगा इसके अंदर अपन को कैसा ट्रक मिलने वाला है। इतना ट्रक जो कि मिलिट्री के तरफ से आ जाता है और ये बॉक्स काफी ज्यादा वजनदार है और इसके अंदर जो माल है ना एक्सट्रीमली काफी ज्यादा बिगेस्ट है। जैसे कि मैं ये वाले छोटे ट्रैक्टर को रिमोट कंट्रोल बनाया ना, रिमोट कंट्रोल बनाने वाला हूँ। और भाई बॉक्स की आप साइज देखो यार, मेरा हेड भी इससे कवर हो जा रहा है दोस्तों। और बैक साइड से बात करें तो गाइस यहाँ पर देखो कुछ अपना ट्रक ऐसा मिलने वाला है मेरे को। और ट्रक के ऊपर एक जाली मिलती है, वो जाली मिली नहीं मालूम। ये ब्रांड आता है आनंद अंबानी के तरफ से, ठीक है गाइस। इसको अनबॉक्सिंग कर देखेंगे कैसा दिखता है ये बोल के। और भाई एक्सट्रीमली यहाँ पर आप इसकी प्राइसिंग देख सकते हो कितनी ज्यादा है। और देखो गाइस ऐसा दिखता है अपना ट्रक का बॉक्स, यहाँ से मैं खोलने वाला हूँ। तो चैनल के ऊपर नया है तो फटाफट चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर से लाइक करना दोस्तों। और नीचे कमेंट में जरूर से लिखना ये ट्रक कैसा है भाई। देखो गाइस मैं निकाल चुका हूँ ट्रक। ये देखो गाइस ट्रक की हालत देखो भाई, कितनी ज्यादा गिड्डी है। अपन को ट्रक मिल जाता है, ये डंपर ट्रक के जैसा दिख रहा है यार मेरे को। जो अमेरिका में डंपर ट्रक आता देखो भाई, वैसी दिख रहा है। और भाई सामने के तरफ से आप देखो भाई, क्या डिटेलिंग ये ट्रक के अंदर दिया गया है। सामने से आप देख रहे हो गाइस, खाली नॉर्मल जैसा पुशिंग का ट्रक होता है ना। ओ शिट, इसकी आवाज सुनो गाइस, इसकी आवाज सुनो गाइस कैसी है। ओ माय गॉड, यानी कि रियल ट्रक के जैसा चलता है। इसके ऊपर अपन को एक गेट भी मिल जाता है, ये टेल गेट अपन इधर लगा सकते हैं। कुछ भी लोड है, कुछ भी ज्यादा लोड है तो अपन ये ट्रक को ना एक प्रेस करो। ओ भाई ये भी ये लोड कर सकता है मट्टी को, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं लॉक कर दिया अभी। अभी यहाँ पे मैं छोटा सा ट्रैक्टर रखने वाला हूँ, आप देखने वाला हूँ। ये देखो गाइस 3 2 1 गो। वो भाई ये ट्रक को भी नीचे गिरा चुका है, इसके अंदर काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावर एक्टर को सामने रखूंगा। और ये देखो भाई काफी ज्यादा लंबा ट्रक है अपना, जैसे कि बहुत ही छोटा ट्रक है। देखो गाइस ये डंपर ट्रक आता था नहीं, वैसे ही अपन को ट्रक मिल जाता है। इसके ऊपर की जाली नहीं मिली यार मेरे को, जाली मिलती तो बहुत ही अच्छा दिखता था। जो अपना ट्रक ऐसा दिखता है सामने से देखो भाई, सामने से तो अपन को डुअल एलईडी लाइट्स मिलते जो कि फेक है भाई। अंदर देखो गाइस तो हाईलाइटेड चीज क्या है मालूम, ये छे इसका ये डक खुलता बोल के, यहाँ पर लोड पूरा नीचे गिर जाता है। मट्टी गिट्टी भी अपन लेके जा सकते हैं इसको इजिली गाइस। और भाई क्या लुक है बॉस इस ट्रक का, भाई एक नंबर इसका लुक है गाइस। और भाई देखो ऑयल सिस्टम इधर है, अपन इधर कुछ भी ऑयल वॉयल डाल सकते हैं गाइस, रियल का नहीं फेक का। और यहाँ पे CNG लिखा हुआ है, यानी कि गैस के भी ऊपर चलता होगा आई थिंक गाइस। और भाई इसके व्हील्स मेरे को ब्लैक कलर के नहीं मिले, ब्लैक कलर का मिलता तो ना और भी अच्छा दिखता था ये ट्रक। लेकिन देखो भाई हाथ में पकड़ने से ही कितना प्यारा ट्रक दिख रहा है भाई, आनंद बोल के इसके ऊपर लिखा हुआ है। और मैं एक प्रेस करूंगा ना यहाँ पे बटन, ये देखो गाइस ये मट्टी को ऐसा लोड कर सकता है। फिर मैं एक बटन दबाऊंगा ना, ये देखो गाइस एक बटन दबाऊंगा ना तो ये लॉक हो जाता है। भाई मेरे को तो एक काफी ज्यादा बढ़िया चीज दिखी, यहाँ पर आनंद बल के लिखा हुआ और हैवी ड्यूटी बलकर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप इसके ट्रेलर लोडर के ऊपर देख सकते हो दोस्तों, मिलिट्री ट्रक बोलकर लिखा हुआ है, यानी कि मिलिट्री के जैसे ही काम करेगा गाइस अपना ये ट्रक है। और ये टेल गेट को जैसा खुल जाता है, देखो यार टेल गेट इसको अपन इसको बोलते हैं, वापिस ये टेल गेट को लगा सकते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत ही भयंकर फीचर दिया है दोस्तों कंपनी वालों ने। और व्हील से को गाइस अगर ये ब्लैक कलर का रहता तो ना और भी ज्यादा मजा आ जाता था दोस्तों। भाई खतरनाक दिख रहा भाई ये तो, बैक साइड से देखो गाइस कुछ भी नहीं है ज्यादा। आज की वीडियो इतनी थी क्योंकि मैं आपको बताया एक प्रोडक्ट कैसा रहता है, इसको अपन जल्दी से रिमोट कंट्रोल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और रिमोट कंट्रोल में ये जब बनेगा ना बहुत ज्यादा कूल दिखेगा, जैसे कि अपना छोटा ट्रैक्टर, ये भी बहुत ही ज्यादा हरसम तरीके से चलता है। इसकी भी ऑफ रोडिंग में कराने वाला हूँ, देखने वाला हूँ ऑफ रोडिंग में कैसा चलता है। ये देखो ये ट्रक है, ये अपना ट्रैक्टर है, ये काफी ज्यादा मजबूत वाला ट्रक है दोस्तों। इसके अंदर ABS प्लास्टिक यूज किया गया है, जब कहीं ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। और एक चीज मैं आपको हाईलाइटेड बताने वाला हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीजें और भी इंटीरियर आपको बताने वाला हूँ। इंटीरियर इसका काफी ज्यादा मस्त है गाइस। देखो ये अपना ट्रक है और ट्रक के अंदर देखो हाईलाइटेड चीज ये है, इधर अपन को एक स्टीयरिंग मिल जाती है, एक सीट्स दो अपन को मिल जाते हैं, बिठा के चला सकते गाइस। और यहाँ पर क्या की लिखा हुआ है और इसके पीछे भी लिखा हुआ है दोस्तों, मिलिट्री ट्रक बोल के गाइस, यानी कि काफी लंबे लंबे शब्दों में लिखा हुआ है। और यहाँ पे ब्लैक कलर के पहिए रहते तो अच्छा दिखता था। अब मैं इसके ऊपर क्या लगाने वाला हूँ, ये छोटी छोटी गियर बॉक्स दिख रही है ना, ये वाली गियर बॉक्स जो निकाल के मैं इधर लगाने वाला हूँ। गियर बॉक्स लगाने से काफी ज्यादा पावर आ जाएगा ये छोटी सी ट्रक के अंदर। ये देखो गाइस एक पुश करो ना, ओ माय गॉड, ये भी इसके ऊपर से होता है गाइस। पैसे अपन क्लोज कर सकते हैं, इसका टेल गेट भी क्लोज कर सकते हैं। अंदर देखो गाइस कितनी ज्यादा स्पेस है, ये देखो भाई साहब मजा आ गया दोस्तों ऐसे वाले ट्रक को देखे। ये देखो भाई
ट्रक के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग्स ऐसे भी है जो कि नामुमकिन के जैसा है, जैसे कि इसके अंदर एलईडी लाइट्स नहीं है, फेक एलईडी लाइट स्टिकर्स इधर है, इधर भी फेक एलईडी लाइट स्टिकर्स अपन को मिल जाते हैं गाइस। और इतना ही है गाइस, यहाँ पर आनंद बलकर लिखा हुआ है, हैवी ड्यूटी बलकर लिखा हुआ है, यानी कि कुछ भी लेके जा सकता भाई माल। खुराफाती आइडिया भी है, यहाँ पर देखो गाइस अपना ट्रक यहाँ पर है और इसके हाइड्रोलिक्स भी अभी काम नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर अपन को सारा सिस्टम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा ट्रक है तो भी गियरबॉक्स में निकालूंगा और इसके पीछे के एक्सल के अंदर लगा दूंगा। पहले अपन को ये पूरा खोलना पड़ेगा सिस्टम को खोल के इसके अंदर अपन को मोटर गीटर बिठाना पड़ेगा, तब देखेंगे दोस्तों मोटर बिठाने के बाद ये ट्रक रिमोट का चलेगा नहीं चलेगा, पूरी तरीके से डंपर ट्रक के जैसा ये काम करेगा। और इसके में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहे हैं ना दोस्तों ट्रक के, ये सारे मैं निकाल दूंगा और निकालने के बाद यहाँ पर लगा दूंगा, तब देखने वाले हैं दोस्तों ये ट्रक चलेगा नहीं चलेगा भाई, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो फिर इसका काम चालू करेंगे गाइस। अपनी ट्रक रेडी हो चुकी है गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखो गाइस पूरी तरीके से अपनी ट्रक रेडी हो चुकी है, पूरी तरीके से रिमोट की बन चुकी है दोस्तों। और ये डंपर ट्रक काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पर मैं व्हील्स भी लगा चुका हूँ, थोड़ा बहुत इधर मैं मॉडिफाई भी कर चुका हूँ। पहले इसके व्हील्स ऐसे आते थे, फिर व्हील्स को चेंज करने के बाद इसके ऊपर मैंने रबर के व्हील्स लगा दिया है। और जो ये व्हील्स है ना इंटरकनेक्टेड है मोटर के साथ में, तो मोटर जब चलेगी तो इंटरकनेक्टेड होने के कारण इसकी जो पावर है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। इधर पावर के टर्मिनल्स भी आउट हो रहे हैं दोस्तों। और ये रहा अपना पुराना रिमोट, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट है, इसी अपन ये ट्रक को चलाने वाला है। ये पूरी तरीके से टॉय कैटेगरी का ट्रक है दोस्तों। यहाँ पर देखो भाई काफी ज्यादा पावरफुल है, एक बटन यहाँ पर मैं दबाऊंगा ना, देखो गाइस एक बटन दबाते कि इसका लोडर भी नीचे हो जाता है और टेल गेट भी खुल जाता है। इसका मतलब जो जितनी भी अपनी मट्टी है वो नीचे होके टेल गेट से निकल जाती है दोस्तों। मेरे को तो वैसी दिख रहा है, ये देखो गाइस ये वापिस लग चुका है। यहाँ पर देखो भाई साहब कुछ ही ऐसा दिख रहा है मामू, ये देखो गाइस ऊपर से आप देख ही सकते हो कितना रापचिक दिख रहा है गाइस। इसके अंदर मोटर भी लगाया, मैं मोटर आपको बताता हूँ। देखो गाइस अंदर आपको जितनी भी दिख रही है ना मोटर ही है, मैं लाइट ऑन करके बताने वाला हूँ। अंदर आपको एक मोटर दिख रही है, वायरा दिख रहे हैं, ये वायरा जा रहे हैं, इंटरकनेक्टेड है दोस्तों सब कुछ, मटेरियल बाहर कुछ नहीं दिखने वाला है, पूरा इंटरकनेक्टेड है अंदर तक। अंदर मदरबोर्ड भी आपको दिख रहा होगा ना, मैं सारी वीडियो बना के नहीं डाला, खाली आपको बता दे रहा हूँ। खाली एक बड़ा व्हील लगाया है, नीचे काफी बड़ा व्हील लगाया है मैंने। और ये देखो भाई कुछ साइज होने के वास्ते मैंने कुछ बैक साइड ऐसा किया है थोड़ा बैलेंस होने के वास्ते। तो गाइस अब टाइम है इसको ऑन कर ढाबे पे चलाने का, फिर बाद में अपन पार्ट टू के अंदर ऑफ रोडिंग करेंगे दोस्तों। चलो फिर फाइनली भाई यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस अपना ट्रक पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, कि एक पुल बैक एक्शन का ट्रक था दोस्तों। यहाँ पर देखो भाई काफी कार्टून दिख रहा था, लेकिन अब डंपर ट्रक के जैसा आगे पीछे भी हो रहा है दोस्तों। अपन इसको बहुत ही ज्यादा करतब करा सकते हैं, इसके अंदर प्रोफेशनल स्टेयरिंग नहीं रहने के कारण अपन इसको हाथों से टर्न करना पड़ेगा दोस्तों। तो ठीक है गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इसको अपन वापिस चला सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, फिर अपन को टर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर प्रोफेशनल एक स्टेयरिंग सिस्टम रहता तो और भी अच्छा रहता था गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस मैं इसको सीधा भी चला सकता हूँ, लेकिन प्रोफेशनल स्टीयरिंग नहीं रहने के कारण प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा हो सकता है ट्रक के अंदर। गाइस इसको ऑफ रोडिंग करा के देखेंगे ऑफ रोडिंग में कैसा चल सकता है। यहाँ पर देखो गाइस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से ही नहीं चढ़ पा रहा है। इसके अंदर एक मजेदार फीचर है, एक बटन में दबाऊंगा ना इसका जो कैरियर है वो ऊपर तक उड़ जाता है और कैरियर की जितनी भी मट्टी है वो नीचे गिर जाती है दोस्तों। ये कैरियर को उठा के भी चल सकता है भाई, इसका कैरियर तो बहुत ही ऊपर तक उड़ चुका है दोस्तों। इसके अंदर काफी ज्यादा पावर दिख रहा मेरे को, ये देखो गाइस ये आगे पीछे भी हो सकता है और रिवर्स भी ये जा सकता है दोस्तों। पूरी तरीके से रिमोट पे चल रहा है, 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ये वर्क करेगा दोस्तों। देखो गाइस फाइनली अपना ये ट्रक रेडी हो चुका है और काफी डिसेंट तरीके से ही चल रहा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा नॉइस नहीं करके चल रहा है। अगर अपन इसको ऑफ रोडिंग करेंगे ना 50-50 चांसेस है ये ऑफ रोडिंग को भी पार कर जाएगा बोल के, क्योंकि इसके अंदर पावर तो हाई नहीं बोल के नहीं, अगर गियर बॉक्स अगर अपन डालते तो ना उसके अंदर और भी ज्यादा पावर आ जाता था। और देखो गाइस अपना जो ट्रक है ना बहुत ही ज्यादा कूल दिख रहा था, यानी कि बहुत ही छोटा है। ये देखो गाइस ये देखो कितना ज्यादा ये प्यारा ट्रक है छोटा बच्चों के लिए। तो अपन इजीली इसके अंदर मोटर गीटर भी फिट कर चुके हैं, काफी बड़ी मोटर अपन फिट करे दोस्तों। और मोटर फिट करने का रीजन ये है कि ये डंपर ट्रक की जो प्लास्टिक है वो काफी ज्यादा हाई है, आराम से चल रहा था दोस्तों। वीडियो में पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए तो फटाफट सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जब तक के लिए जय भारत दोस्तों, बाय बाय।